सारे पूरे देश को हिला के रख दिया है। पूरे देश की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है, लोगों को सामान के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि हम देख सकते थे कि सब्जी मंडियों में काफी ज्यादा रश लग रहा था, उसी के मद्देनजर जो हमारे वार्ड के काउंसलर्स हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है कि वेंडर्स को वे निर्देश जारी करते हुए दिखाई देंगे कि किस तरह वेंडर्स घर घर तक लोगों को सामान पहुंचा सके, सब्जियां मुहैया कराई जा सके, ताकि ये लॉकडाउन की जो चेन है वो कहीं ना कहीं टूट ना सके बिल्कुल भी। से जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है, वे वेंडर्स को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि घर घर तक किस तरह लोगों को हर जरूरत का सामान मुहैया करवाया जा सके। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। सानू ना मंडी तो ट्रक आ जाते हैं, असी की किया है कि जिन्हें रेहड़ी वाले पास इशू किए हुए हैं उन्होंने असी एक जगह बुला लीदा है, इतने वार्ड नंबर 82 जोधम सिंह नगर मार्केट है, उत्थे बुला के फिर उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने एरिया दिते हुए हैं, अलग अलग एरिया भेज दईदा। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कि एकदम ही सब्जी वालिया बेचण वालिया का वध गई है, बहुत ज़्यादा संख्या, पर हुण एक तो नीड ऑफ आर है, ये टाइम इहो जिहा है कि इस गल लई डिस्कशन करन तो ज़्यादा भी ये सोचते हैं कि वध तो वध लोगों तक पहुँच जान। मुनाफाखोरां दा इदां कि अगर प्रशासन सारे मिलकर अगर डंडा चलाएंगे तो इहो जी भी कोई गल नहीं कि इहनूं कंट्रोल ना किया जा सके। सब्जी सानूं होलसेल रेट उत्थों आ जांदे उपरों मंडी तो लिख के वो उपर असी 10 या 12% जिन्ना इन्हों का रेहड़ी वालों का हैगा वो दे के इन्हों भेज दे। देखो मैं बाकी एरिया ज़्यादा नहीं कह सकता, पर मेरे एरिए ऑलमोस्ट ना असी हर महल्ले रेट लिस्ट भी भेजी हुई है, तो साढ़े बंदे भी नाल जाते हैं रेहड़ियाँ ताकि वो कोई यहो जी हरकत ना कर सकन, उत्तों जोड़े लोग एकदम पब्लिक इकट्ठी हो जाती वो भी थोड़ा जहा सोशल डिस्टेंस मेनटेन कर लाइन आके लिया कर। We'll be right back.